फैमिली गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग सो गाइस माय नेम इज अमित एंड यू वाचिंग अमित हरिवंश व्लॉग सो गाइस कैसे आप सब सभी मस्त होंगे और हां हमें सब मस्त ही रहना सो गाइस दोबारा से आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में एंड आज का जो ये व्लॉग है गाइस ये बहुत ही एडवेंचर वाला व्लॉग आने वाला है क्योंकि गाइस आज हम लोग जा रहे हैं हमारे झारखंड का सबसे बड़ा पर्वत गाइस उसे चढ़ने के लिए पारसनाथ जो हमारे झारखंड का सबसे बड़ा पहाड़ है। सो अभी फटाफट हम लोग निकलते हैं यहाँ से, ज्यादा बात ना करते हैं क्योंकि हम मेरा प्लान था गाइस जल्दी सुबह सुबह जाने का 4 बजे, लेकिन 6 बज चुके हैं गाइस यहीं पे, 2 घंटा ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो फटाफट हम लोग निकलते हैं एंड जा करके देखते हैं गाइस कैसा क्या अभी वेदर है। अभी गाइस मानसून का भी सीजन है, सो मुझे बहुत ही क्लाउड वाला जो अभी फुल वायरल चल रहा है सीन पारसनाथ का वो देखना है। सो पता नहीं वो भी देख पाऊंगा या नहीं, बाकी ब्लॉग पे बने रहो आप लोग अगर देखना हो तो। चल के देखते हैं कैसा क्या वेदर है एंड जो भी कुछ होता है गाइस ब्लॉग पे बने रहो, मज़ा आएगा। चलो आगे मिलता हूँ आप लोगों से। तो गाइस हम लोग अभी हाईवे पे आ चुके हैं एंड अभी गाइस मैं रुका हूँ क्योंकि मैं राइड करने के लिए दे रहा हूँ सुनील को, वो चलाएगा। एंड अभी गाइस मैं एक पेट्रोल पंप भी ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मुझे बाइक में हवा लेनी है, क्योंकि गाइस पीछे वाला टायर गाइस थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उसमें हवा नहीं है, थोड़ा सा बाइक गाइस ऐसे हो रही है। तो पहले हवा लेंगे कहीं पेट्रोल पंप में, जहाँ पे हम लोग पेट्रोल लिए वहाँ पे तो गाइस हवा वाला तो बंद ही था तो वहाँ से नहीं ले सके। सो अभी हम लोग देखते हैं कहीं पे और हमें मिल जाएगी पेट्रोल पंप, तो वहाँ से पहले हवा ले लेंगे ताकि हम लोग और अच्छे से कवर कर लें जल्दी। बाकी चलते हैं यहाँ से निकलते हैं अभी, ये सुनील चलाता है अभी बाइक। एंड अभी का मौसम गाइस क्या सुंदर हो रही है गाइस, वो रहा पारसनाथ, हम लोग वहीं पे जाना है एंड पूरा गाइस बादल पे ढका हुआ है पारसनाथ गाइस। मुझे और ना क्लियर मौसम चाहिए। अभी गाइस मौसम साफ भी हो रही है, वो देखो हल्की हल्की वहाँ पे पारसनाथ का मंदिर दिख भी रहा। बस गाइस मुझे यही मौसम चाहिए, बस ऐसा ही मौसम रहे, बारिश ना हो एंड क्लियर मौसम हो जाए, जैसे क्लाउडी वाला बादल मिल जाए, बस फिर मजा आ जाएगा गाइस। चलो अब आगे चलते हैं, यहाँ से गाइस सुनील ड्राइव करेगा बाइक। चलो सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं डुमरी एंड यहाँ से हम लोग ले रहे हैं गाइस गूगल आंटी का सहारा क्योंकि भटक भी सकते हैं गाइस, मैं इधर कभी नहीं आता हूँ, बस 2 ही 3 बार आया हूँ इसलिए मुझे याद नहीं रास्ता, इसलिए मुझे ये रास्ता याद नहीं। सो अभी हम लोग गूगल मैप से देख रहे हैं रास्ता एंड अभी का मौसम गाइस जो मौसम मुझे चाहिए था वही मौसम है, बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे। ये चेक करो कितना खुला आसमान हो चुका है एंड वहाँ पे चेक करो बादल, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर में है बादल, बस ऐसा ही मौसम रहे बस। चलो अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं फटाफट, ये अभी मैप चेक कर रहा है रास्ता, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। बाकी लेट हो गए गाइस, हम लोग सन ऊपर हो चुकी है, वो चेक करो। पहाड़ चढ़ने में गाइस हालत तो ख़राब होगी, समझ में आ गया मुझे, हम लोग शायद लेट भी हो सकते हैं, देखते हैं कितना समय लगेगा हम लोगों को चढ़ने में और उतरने में। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली मधुबन, हम लोग घर से निकले थे गाइस 6 बजे एंड अभी हो चुके हैं गाइस 7:20, सो सही 1 घंटे में पहुँच ही गए हम लोग। अब अंदर चलते हैं यहाँ से, चलो फटाफट, और यहाँ से बस 14 किलोमीटर बची हुई है पारसनाथ, ये चेक करो। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके मधुबन एंड अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पार्किंग क्या करना, बाइक रख करके जाना या फिर ले करके। तो गाइस हम लोग अपनी बाइक यहीं पे रख के जा रहे हैं इन आंटी के शॉप पे, 30 रुपये करके चार्ज ले रही हैं पार्किंग का, सो यहीं पे रख देते हैं। चल गाइस हम लोग अपनी बाइक यहाँ पे खड़ी कर दी है एंड अब हम लोग यहाँ से भी कुछ ले लेते हैं खाने पीने का, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे वैसे वैसे इस सामानों का गाइस कॉस्ट बढ़ते जाएगा, इसीलिए यहीं से ले लेते हैं कुछ भी खाने का, ले लें यहाँ से कुछ भी। चलो गाइस अब हम लोग अपनी बाइक रख चुके हैं, जो हमारा लेने का सामान था खाने पीने का वो भी ले चुके हैं। अब यहाँ सुनील बता रहे कितना कितना किलोमीटर निकले गाइस, जल मंदिर 10 किलोमीटर, पारसनाथ मंदिर 9.65 और हम लोग चढ़ते हुए ऊपर हैं आगे पर।
इसके लिए बहुत ज्यादा स्किल्स चाहिए। अगर बाइक की स्किल्स आपकी अच्छी है तो बाइक लेकर के चढ़ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नहीं है तो फिर रिस्क मत ही लो। भाई साहब टोटल 27 किलोमीटर खाली चढ़ाई है, 27 किलोमीटर चढ़ना पड़ेगा, वो भी सीधा नहीं ऊपर सब, तो बाइक लेकर के जा रहे हैं, हालत खराब होगी गाइस। आज मेरा और 2-4 किलो वजन घटने वाला है। अभी बज रहे 7:44, 7:30 हम लोग स्टार्ट किए चढ़ना। अब देखते हैं ऊपर कितना बजे तक पहुंच जाते हैं हम लोग। पानी पानी, हमारा पहला ब्रेक गाइस, 1 किलोमीटर चढ़े पहला ब्रेक, भूख लग रही है, ड्रिंक ले रहे हैं और खाली करने जा रहा है, पर हम भरने के लिए जा रहे हैं। कुछ खाते हैं, यहाँ पे बिस्किट लिए थे नीचे, वो खाते हैं पहले, क्योंकि पेट में रहेगी गाइस, कुछ शरीर में एनर्जी रहेगी तब तो और ऊपर चढ़ पाऊंगा जल्दी। खाते हैं पहले फिर और आगे चलते हैं। सो गाइस हम लोग ऊपर चढ़ने के लिए शॉर्टकट रास्ता भी ले रहे हैं, कच्चा कच्चा वाला रास्ता। भाई आधा किलो तो मैंने बैग ही ले लिए, जो अभी फील हो रहा है मुझे। सो गाइस हम लोग पहले पहुंच चुके हैं गोल्डन टेम्पल के पास, ये भी देखते हैं आकर के। आप देख रहे हो इसे गोल्डन टेंपल के नाम से भी जाना जाता है। पहले आप पहाड़ में चढ़ाई करना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको यही मंदिर देखने को मिलेगी। अभी यहाँ से 8 किलोमीटर और है ऊपर पारसनाथ मंदिर, सब चलते हैं यहाँ से। तो गाइस अब हम लोग चलते हैं यहाँ से पारसनाथ मंदिर की ओर बिना रुके। अब नहीं रुकेंगे गाइस, ज्यादा बोल दिया ये कट करो। इस जगह पे बहुत सावधानी से गए, अगर फोन वोन लेकर के भाग गए तो फिर पकड़ भी नहीं सकोगे उन लोग को। बहुत बंदर है यहाँ पे, इन अभी का रास्ता बहुत सही है, ये सीधा सीधा रास्ता है, ऐसा रास्ता में सही लग रहा है। एंड आगे में भी एक बंदर देखो। ये गाइज ये मेरा 4th बार है पारसनाथ का ट्रैक। सुनील तुम्हारा? मेरा 3 बार और मेरा 4th बार है, एक बार और आऊँगा, पूरा 5 बार कंप्लीट करूँगा इस धाम का यात्रा। तो वैसे हम लोग पहुँचे अभी चंदन चौक के पास, पारसनाथ मंदिर अब 6 किलोमीटर बची हुई, मतलब 7 किलोमीटर मान लो, 6.95 किलोमीटर बाकी, अब हम लोग निकलते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट की गई है, ये देखो यहाँ पे, इसी की बात कर रहा था मैं। ये लकड़ी का गाइस स्टे बनाया हुआ हट के जैसा, काफ़ी सुंदर लग रही है देखने से। ये यहाँ बारिश में बच सकते हैं। ये मुझे अभी दिखी है एक इम्प्रूवमेंट, अब यहाँ से ढलान आ चुकी है, अब ढलते हैं फिर चढ़ना पड़ेगा ऐसे। ये देखो गाइस वो पहाड़ है वहाँ पे, लेकिन बादल की वजह से कुछ दिख भी नहीं रही है, पूरा बादल से ढका हुआ पहाड़। एंड जैसा वेदर मुझे देखना है क्लाउड का, मैं बस बना रहा हूँ कि मुझे दिख जाए, अगर दिख गई तो फिर जीते जी स्वर्ग के दर्शन हो जाएंगे, ये तो पक्का है। और एक मेरा ड्रीम का जो बकेट लिस्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। भाई साहब यहाँ से पारसनाथ दिखना चालू हो चुकी है, एंड क्या सुंदर सा व्यू आ रहा देखने से गाइस, बहुत सुंदर। मैं तो बस वेट कर रहा हूँ कि ऊपर का सीन कैसा होगा बस। तो गाइस हम लोग पहुँच गए अभी गंधर्व नाला के पास, इतनी ऊंचाई पे गाइस कहाँ से पानी आ रही है ये चेक करो। Thank you.
सांस फूल रही है भाई। मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए गाइस पहाड़ों पे आया था। पहाड़ पे आने के बाद मालूम चला कि फिजिकल हेल्थ भी खराब है। चल आगे बैठेंगे भाई। भाई यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं। भाई यहाँ के बंदर डरते नहीं है यार इंसानों से। जरा सा अभी हम ही को डरना पड़ता है इनसे। बिल्कुल सामने सामने हम बैठे हैं, भाग भी नहीं रहे देख करके। कभी आओ तो गाइस सावधानी से आना, कुछ खाने पीने का सामान अच्छे से रखना, वरना ये लोग छीन सकते हैं। अभी आप लोग देखा सुनील पे, सुनील को लेके जाने वाला था गाइस अभी एक। बाकी पसीने से गाइस पूरा भीग चुका हूँ अब। और कितना किलोमीटर सुनील? 5.5। तब से हम लोग एक ही किलोमीटर चले। अरे भाई अब हालत खराब हो गया यार सच में। भैया वीडियो बनाए? दिखाइए भाई, इनके जैसी स्किल्स हो तभी बाइक लेकर के आना पहाड़ पे, वरना मत लेके आना। सही बात है भाई, को ले लो मेरा पिज़्ज़ा डिलीवरी। भाई सीढ़ियों पे भी चढ़ा दे रहे हैं भाई की, ये सब सीढ़ियों पे। देख रहे हो राइडिंग स्किल्स। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे बैठे थे बेंच के पास, थोड़ा ज़्यादा थक गए थे इस वजह से। तकरीबन 10 मिनट हम लोग बैठे हैं गाइस, 10-15 मिनट। अब हम लोग यहाँ से रेडी हो रहे जाने के लिए ऊपर। अभी भी 4-5 किलोमीटर बची हुई है श्री परशुनाथ का मंदिर जो सबसे ऊपर में। बाकी अब चलते हैं यहाँ से। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं दो रास्तों के बीच पे। तो गाइस अभी जो आप लोगों ने वो दो पॉइंट देखा, दो रास्ता, अगर आप राइट वाला रास्ता लोगे तो वो सीधा आप पारसनाथ मंदिर पहुंचोगे, और अगर सीधा वाला रास्ते पे लोगे तो वो आप उस रास्ते से जल मंदिर भी घूम सकते हो, पूरा मंदिर घूम सकते हो गाइस। और अगर पैदल आ रहे हो तो सोच समझ के जाना उस रास्ते पे, क्योंकि वो रास्ता बस सीधा चढ़ाव रास्ता है। इसमें तो आप सीधे भी जा सकते हो, सीढ़ी भी आएंगी, रुकोगी भी, वो सीधा चढ़ाई है गाइस। इसलिए हम लोग इसी रास्ते से जा रहे हैं पूरा घूमते हुए। तो गाइस अभी सुनील लेके आया शुद्ध झरने का पानी, और कहाँ से आ रही है पानी पता नहीं, और उसी को पी रहा है ये पूरा ही देसी बंदा है गाइस। मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा अपना मुंह धो लेता हूँ ठंडे पानी से। तो गाइस अभी हम लोग इस झरने में अपना मुंह का अंदर हो रहे थे, पूरा फ्रेश फील हो रहा है गाइस मुंह धोने के बाद। काफी ठंडा पानी है गाइस इस झरने पे, एंड ये पानी आ कहाँ से रही समझ में नहीं आ रहा। अब वो तो पीने के लिए भर भी लिया, मैं नहीं पीऊंगा गाइस, मुझे डर लग रहा, बहुत ठंडा पानी था गाइस। अब यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, और अब ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग मिड में पहुँचने वाले हैं। यार ये सीढ़ियाँ ख़त्म नहीं हो रही यार, हालत ख़राब हो चुकी है बिल्कुल, मेरे जांघों में दर्द होने लगी भाई। काफ़ी दिनों के बाद इतना लंबा चढ़ाई चढ़ रहा हूँ। यहाँ से गाइस क्या सुंदर लग रही है ये जगह सामने में, पूरा बादल गाइस अपनी आंखों से देख रहा हूँ कैसे हवा में उड़ रही है, लेकिन फोन में पता नहीं चल रहा गाइस, वरना बहुत सुंदर लगता है ये देखने से जो हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं यहाँ पे। इन
तीन जगहों में गाइस बादल आ रही है मेरे हाथों में, लेकिन बहुत पतली बादल है इसलिए पता नहीं चल रहा कैमरे से। हम लोग ऊपर चल जाएंगे तब ये जगह देखने में अच्छी लगेगी। ये देख रहे हो पूरा बादल है ये सब। ये जगह दिख रही थी लेकिन अभी पूरा ये जगह बादल से ढक चुकी है। ये देख रहे हो बादल कैसे चल रहा। ऊपर जाएंगे तो और भी बहुत सुंदर सा दिखेगा व्यू गाइस। अभी पारसनाथ मंदिर भी देख रहे हो पूरा ढक चुकी है, अभी कुछ देर पहले दिख रही थी। भाई पूरे बादल में आ चुके हैं हम लोग। ऊपर जाने के बाद तो गाइस स्वर्ग वाली फीलिंग आएगी। फील कर रहे गाइस हम लोग बादल को, अभी यहाँ पे बैठ करके छू करके जा रही है हमारे शरीर को बादल। चलो अभी यहाँ से गाइस चलते हैं जल मंदिर, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे पारसनाथ। चलो बैठने के बाद उठने का मन नहीं कर रहा, लेकिन थक तो पूरा गए गाइस उठने को। देखो बादल देखो गाइस। अब हम लोग चल रहे हैं गाइस यहाँ से जल मंदिर की ओर। एंड अब सीन्स चेक करो यहाँ के, अब क्या सुंदर लग रही है ये जगह। बहुत ही ब्यूटीफुल। अरे भाई साहब जा तो रहे हैं भाई, सच्ची बता रहा, सबसे ज़्यादा इसमें हालत ख़राब होगी चढ़ने में, क्योंकि मैं आ चुका यहाँ पर, उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई दोबारा आने के बाद। इसके कहने पे जा रहा हूँ, चलते हैं भाई जल मंदिर की ओर। 300 मीटर है। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं जल मंदिर, ये रहा सामने। चलो गाइस अब जल मंदिर घूम के आते हैं, अपनी सामान यहीं पे रख रहे हैं हम लोग। सो गाइस इस मंदिर को जल मंदिर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस मंदिर के चारों ओर पानी से घिरा हुआ है ये मंदिर। एंड ये पानी कहाँ से आ रही है इतना ऊपर में, सोचने लायक है गाइस ये जगह। बहुत पीस मिल रहा है अभी इस जगह पे आने के बाद, क्या सुंदर लग रहा है। ये मंदिर पूरा चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, क्या सुंदर लग रही है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से पारसनाथ की ओर। अब यहाँ से जो खड़ी चढ़ाई है वो हालत खराब करने वाली चढ़ाई है, सिर्फ इसके कहने पे आया था मैं। लेकिन वहाँ पे बैठने के बाद थोड़ा सा रिलीफ मिल गया, लेकिन भाई पैर के नस खींच रहे हैं। ये देखो गाइस पहले कैसा था, अभी भर गया तुरंत बादल से मंदिर। पूरे आसमान में हम लोग जहाँ से बादलों को छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। तेरा भी तो हालत खराब होगी। इसका भी हालत खराब हो रहा है गाइस, लेकिन ये दिखा नहीं रहा अपने फेस पे। देख रहा इसके हालत से पता चल रही है, लेकिन मजबूती दिखा रहा। पानी पानी पर पहुँच गए हम लोग गाइस, ऊपर पहुँच गया। सो गाइस अब हम लोग पारसनाथ के मंदिर की ओर चलना चालू हो चुके हैं। सो गाइस हम लोग रूट चेंज कर रहे हैं अपनी, एक रास्ता उधर से भी जाने का और एक ये रहा, ये थोड़ा सा शॉर्टकट रास्ता है। लेकिन भाई जैन धर्म वालों को दिल से रिस्पेक्ट, वो नंगे पांव गाइस यात्रा कर रहे हैं पारसनाथ का, और हम लोग तो गाइस जूते में भी नहीं कर पा रहे, इतना हार्ड ट्रैक है ये। एंड ऑलवेज रिमेम्बर गाइस जब भी आप तो प्लीज इन सब जगहों को गंदा मत किया करो। हर जगह पे गाइस डस्टबिन रखी हुई है, थोड़ा सा गाइस खा करके रख लो पॉकेट में, जहाँ डस्टबिन दिखे वहाँ पे फेंक दो, जिससे ये जगह अभी खराब ना हो। अभी तो गाइस तुम्हारे दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहे हैं कि इसे बनाया किसने है भाई, कुछ कितना मेहनत लगा हो इसे बनाने के लिए। फाइनली गाइस हमारी मंजिल यहाँ से दिखना स्टार्ट हो चुकी है, हो रहा अब हमारी यात्रा गाइस सफल होगी।
गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं पारसनाथ मंदिर। मेरे पीछे मेरा भाई, यहाँ तक का सफर बहुत कष्टदायक था। लास्ट की जो सीढ़ियाँ थी वो तो ज्यादा। अब पहुंच गए गाइस, अब पारसनाथ दर्शन करते हैं और थोड़ा देर यहाँ पे अब रुकेंगे हम लोग और फिर इस नज़ारों को एंजॉय करेंगे। जब हम लोग अंदर दर्शन करके आते हैं पारसनाथ भगवान का, दर्शन करके आया गाइस और बारिश स्टार्ट हो गई अब हल्की हल्की, बस तेज ना आए वरना भींगना था। या फिर हम लोग बादल चेक कर रहे हो गाइस, बिल्कुल आसमान में आ चुके हैं हम लोग। भाई पूरे बादल के अंदर है हम लोग। गाइस हम लोग 12 बजे तक पहुंच चुके थे पारसनाथ मंदिर एंड अभी का सीन देखो गाइस, यहां पे कुछ नहीं दिख रहा, आगे का पहाड़ सब ढक चुका है बादल से। ये देखो जितने भी सामने का पहाड़ था सब ढक चुका है एंड अभी हम लोग यहां पे बैठ करके मस्त एंजॉय कर रहे हैं। पूरा अच्छे से गाइस रिलैक्स कर लेंगे उसके बाद फिर हम लोग नीचे का रास्ता तय करें। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं दर्शन करके पारसनाथ भगवान का और अब बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा था कि हम लोग छाता लेकर के आए थे, अब हम लोग बिना रुके नॉन स्टॉप निकलेंगे घर की ओर। अब बस गाइस खड़ी ढलान है, बस अभी हम लोग की आंखों के सामने से बस बादल पार हो रहे हैं लेकिन कैमरे में पता नहीं चल रहा। का जो सीन था गाइस, क्या सीन था वो, बहुत यूनिक। इन वादियों में टकरा चुके हम। अब यहाँ से बस ऐसे ही देख लो, ये रास्ता बस ऐसे ही ढलते जाना है नीचे सीधा, कहीं पे चढ़ना नहीं हम लोगों को अब। लेकिन इसी में गाइस पैर बहुत दर्द होने लगती है। बाइक से गाइस बस यहीं तक आती है, देख लो ये लास्ट है, यहाँ के बाद बाइक नहीं चढ़ती है ऊपर। ये क्या लिखा हुआ, अभी मुझे ये कोट मिला गाइस, ये से पढ़ते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए मत अच्छा बनो, परमात्मा आपको भीतर से जानता है। जो दिखावे के लिए अच्छा बनते हैं उनके लिए, यहाँ पे हर जगह गाइस बहुत ही अच्छे अच्छे कोट्स लिखे हुए हैं। भाई सुनील जो मुझे छोड़ के भागा है ना, कहीं नजर नहीं आया है वो। फाइनली 2 किलोमीटर और बची हुई है यहाँ से उतरने में, वो पूरा नीचे उतर गया होगा जैसे वो भागा है। बाकी अब मैं भी पहुंच के फिर आप लोगों से मिलता हूँ। इस मंदिर को देख करके गाइस अब जाना है, 1200 मीटर बचा हुआ है, जल्दी खत्म होगा गाइस। अब तो बस यही दिमाग में चल रहा, बस बहुत खतरनाक थक गए हैं, बहुत खतरनाक। शक्ल देख करके समझ में आ रही होगी आप लोगों को। फाइनली हम लोग नीचे उतर गए एंड अभी का टाइम हो चुका पूरा पक्का पक्की 5:30 बजे से स्टार्ट किए हम लोग, 5 बजे उतर चुके हैं गाइस। ये रहा सही था गाइस, आंटी पार्किंग का 30 रुपए ली। ये रहा अपनी बाइक, यहाँ से निकालते हैं और अब घर के लिए निकलते हैं गाइस। तो गाइस हम लोग आए इस मंदिर के पास, इसे भी घूम लेते हैं, काफी सुंदर लग रहा देखने से। अब हम लोग कहीं पे नहीं रुकेंगे गाइस, अब सीधा घर। तो गाइस फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके
एंड अभी गाइस शाम के ऑलमोस्ट 6:25 हो चुके, 6:30 हो चुके हैं। लोग भी सुबह में गाइस निकले थे घर से 6 बजे ही कुछ निकले थे एंड पहुंचे भी घर भी 6:30 बजे तक। एंड भाई जो कमर के नीचे से जो दर्द दे रहा है मेरा बॉडी वो आप लोगों को बता नहीं सकता और आप लोग फील भी नहीं कर सकते जो मैं फील कर रहा हूँ अभी। काफी ज्यादा ऊंचा पहाड़ था गाइस। एंड कैसा लगा? बहुत एडवेंचर, मजा आ गया। पैर का तो हालत खराब है, अब बस पैर को गाइस मसाज चाहिए बस। बाकी उम्मीद करता हूँ आज का जो ये व्लॉग है आप लोगों को अच्छी लगी हो, और हाँ अगर व्लॉग थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज इस व्लॉग को एक लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बगल वाले बैनर को प्रेस कर लेना ताकि मेरे व्लॉग नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सो यार गाइस आज के व्लॉग में बस इतना ही, सो मिलते किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। और हाँ गाइस कमेंट करके बताना जो भी आप लोगों को पूछना हो, एंड नेक्स्ट व्लॉग कहाँ का देखना चाहोगे वो भी कमेंट करना, और डिस्क्रिप्शन में गाइस मेरा UPI का लिंक होगा, पेमेंट कर देना ताकि अगला व्लॉग भी जल्दी लेकर के। बाकी गाइस मजाक कर रहा हूँ, बाकी अब मिलता हूँ आप लोगों से किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और दूसरों को भी हंसाते रहे। चलो बाय।